हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइमलाइन के बारे में। तो ये एक एप्लीकेंट है जिन्होंने 17th ऑफ जैन को अपना पासपोर्ट सबमिट करा था और 1 फेब को उनका रिसीव हो गया था पासपोर्ट स्टैम्प। दूसरे एप्लीकेंट का भी ऑलमोस्ट 15 डे पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइम में लगा था। और ये एक एप्लीकेंट है जिनका कि PPR 12th फेब को रिसीव हुआ था और इन्होंने फाइल लॉज अपना 23rd ऑफ दिसंबर को करा था। अगर आपका भी PPR आ रहा है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और ये एक और एप्लीकेंट है जिनका कि PPR ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के बाद आया है, जिन्होंने फाइल लॉज 20 सितंबर को करा था और 12th फेब को इनका PPR आया है। ये एक एप्लीकेंट है जिनका कि 6 मंथ के बाद बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर आया है। ये एक एप्लीकेंट है जिनका रिजेक्शन आफ्टर 3 मंथ्स आया है, जिनका पब्लिक प्राइवेट कॉलेज था। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका सेप्टेम्बर में फाइल लॉज है और इनका 12th फेब को रिक्वेस्ट लेटर आया हुआ है। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका 15 सितंबर का फाइल लॉज है और उनका भी रिक्वेस्ट लेटर 12th फेब को आया हुआ है। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका रिफ्यूज़ल आया हुआ। ये एप्लीकेंट जो है नेपाल से हैं और ये 2016 पास आउट हैं और इनका GCM नोट्स में क्लियरली मैंसनड है। और इनका रिफ्यूज़ल का रीज़न जो है, वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं है कि ये जो भी कोर्स ले रहे हैं वो रिलेटेड टू इनके वर्क एक्सपीरियंस है और इनके डिप्लोमा करने के बाद इनको इस कोर्स की ज़रूरत है। एंकी का PPR 12th फेब को आया है, जिन्होंने फाइल लॉज 30 दिसंबर को करा। ईयर का PPR 13th ऑफ फेब को आया था ऑलमोस्ट 12 बजे रात को और जिन्होंने फाइल लॉज 23rd ऑफ दिसंबर को करा था। रेवंत के फ्रेंड को PPR आया हुआ था 12th ऑफ फेब को, जिन्होंने फाइल लॉज 9th दिसंबर को करा था। ये एक और एप्लीकेंट है जिन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कराया अपना PPR, जिन्होंने लॉन्च करा था फाइल 27th ऑफ दिसंबर को और PPR इनका 12th फेब को आया हुआ था। मनकीरत का PPR 13th फेब को आया था, जिन्होंने 27th दिसंबर को फाइल लॉन्च करा था। ये एक एप्लीकेंट है जिन्होंने अगस्त में ही अपने डैड का फाइल लगाया हुआ था विजिटर वीज़ा के लिए और इनका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं विजिटर वीज़ा में भी काफ़ी लेट लग रहा है अभी आने में। ये एक और GCM नोट्स है जो कि ऑलमोस्ट सेम है जो पहले भी आया हुआ है। ये GCM नोट्स में आप देख सकते हैं कि 59 स्पीकिंग में, फिर भी इनका रिफ्यूज़ल आ गया है क्योंकि स्पीकिंग कोर सब्जेक्ट माना जाता है IELTS में और PTE दोनों में ही। जानवी का PPR आज आया है, जिन्होंने फाइल लॉज 21st ऑफ दिसंबर को ही करा था और इनका बायो और मेडिकल दोनों ही सेम टाइम में अपडेट हुआ था PPR के साथ। और अब आप ये PPR आप देख सकते हैं आज और कल का है। इसमें आपको मोस्ट कॉमन डेट्स जो भी देखने को मिलेंगे उसमें 24th और 25th आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा सारा ही फाइल दिसंबर का आना शुरू हो गया है। जो भी बचा हुआ फाइल है जिनका भी PPR अभी तक नहीं आया है वो भी आ रहे हैं। तो जिनका भी अभी तक PPR नहीं आया है वो टेंशन ना लें, आपका PPR आ जाएगा। आप वेट करें और 1 वीक के लिए, और जब जनवरी का फाइल आना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको टेंशन लेना चाहिए। उसके बाद आप वेब फॉर्म रेज करें, उसके पहले आप कुछ भी ना करें, वेट करें बस। बाकी ये देख सकते हैं PPR के लिस्ट। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर पूरा ही करने वाले हैं। और आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना PPR या अगर आपका रिफ्यूज़ल है या कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगा जो भी वेट कर रहे हैं PPR का। और साथ ही आप पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइमलाइन भी अपना अपडेट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी बहुत लेट चल रहा है पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइमलाइन का भी। ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लग जा रहे हैं अभी पासपोर्ट स्टैंप होकर वापस आने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें कनाडा से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।